केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर उठ रहे सवालों पर उनसे जवाब मांगा है। केंद्र गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी के बाद राहुल को नोटिस जारी किया है। राहुल को 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना है। बता दें कि स्वामी ने अपने पत्र में राहुल की ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता ने ली है और इसीलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि बाद में निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के नामांकन की जांच कर उसे वैध करार दिया था। लखनऊ लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार गृहमंत्री राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह यहां से 2014 में भी चुनाव जीत चुके हैं। वो दूसरी बार यहां किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और मौलाना आगा रूही और मौलाना यासूब अब्बास से मुलाकात की। गृहमंत्री के समर्थन के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल की 14 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार में फिल्मी सितारों की महफिल सजेगी। बीजेपी की ओर से छठे चरण के लिए जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिल्मी जगत की 7 हस्तियां शामिल है। बता दें कि छठे चरण में 12 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और मछली शहर के साथ भदोही में मतदान होना है। छठे चरण के स्टार प्रचारकों में पूर्व टीवी कलाकार एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, जयाप्रदा, भोजपुरी फिल्म कलाकार और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ और रवि किशन शामिल हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी पर ट्वीट कर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी से ट्वीट कर सवाल भी करे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि विकास पूछ रहा है, प्रधान जी का शर्मनाक भाषण सुना क्या, 125 करोड़ देशवासियों का भरोसा खोकर अब वो बंगाल के 40 विधायकों के तथाकथित दल बदल के अनैतिक भरोसे तक सिमट गए हैं। ये वो नहीं, काले धन के मानसिकता बोल रही है। इसके लिए उन पर 72 घंटे नहीं बल्कि 72 साल बैन लगना चाहिए। लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। यूपी में अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण का मतदान शेष है। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा परिवारवाद पार्टी और बसपा भाई भतीजा और कांग्रेस भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। बता दें कि 2008 परिसीमन के बाद वर्चस्व में आई धौरहरा लोकसभा सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। अब 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने के साथ ही यहां की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जौनपुर पहुंचे अमित शाह, जावनो ने मछली शहर लोकसभा के प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी की नकल भी उतारी। वहीं अखिलेश और मायावती पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा, आपको पाकिस्तान के आतंकवादियों से इलू इलू करना है तो करो, हम कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, अगर पाकिस्तान से गोली आएगी तो यहां से कोला जाएगा, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। भदोही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रमेश बिंद के लिए वोट मांगे। केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में सपा से तेज बहादुर यादव के पर्चा भरने पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस डरी हुई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जमानत कैसे बचाए। नरेंद्र मोदी ने नामांकन के रोड शो में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगर अखिलेश यादव की इच्छा है तो वह भी आजमगढ़ छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ ले। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बांदा जिले में जनसभा करने पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही कुछ दिन पहले बांदा में हुए पीएम मोदी की जनसभा को लेकर खूब तंज कसे। अखिलेश यादव की जनसभा ग्राउंड में आयोजित की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा यूपी सरकार ने 2 साल में बांदा के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा सरकार से सिर्फ जनता ही नहीं जानवर भी परेशान है। लखनऊ में सांड के चक्कर में कई जाने जा चुकी है। भाजपा वाले कोई भी कदम उठाने में असमर्थ है। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में सरकार बनते ही सबसे पहले बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बनेगा। लोकसभा चुनाव 2019 में बेगूसराय के बाद अब वाराणसी ने एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में अपनी जगह बना ली है। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अब सपा बसपा गठबंधन की ओर से बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की टिकट पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव ने अपनी जीत की दावेदारी पेश की। सभा के ऐलान के बाद पहली प्रतिक्रिया तेज होते हुए तेज बहादुर यादव ने कहा कि अब लोगों को पहचानना होगा कि देश का असली चौकीदार कौन है।
खबर आगरा से है, जहां संदिग्ध हालत में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि युवती के शव को गड्ढे में दबाया गया था और उसके ऊपर से कूड़ा रख दिया गया था। आशंका जताई जा रही है कि युवती का शव हत्या करने के बाद यहां जंगल में फेंक दिया गया। पूरा मामला आगरा के थाना एतमादपुर के छलेसर के जंगल का है, जहां अलीगढ़ की रहने वाली युवती का शव गड्ढे में दबा मिला। युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और युवती के परिजन ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। खबर फरुखाबाद जिले से है, जहां रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। फरुखाबाद से दिल्ली जा रही अज्ञात तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टैक्सी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टैक्सी सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। राजमगढ़ जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कुंटल गांजा बरामद किया और साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जबकि मौका पाकर दूसरा तस्कर भागने में सफल रहा। वहीं बरामद गांजा की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर गांजा को नॉर्थ ईस्ट से लाकर जनपद के विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करते थे। हाथरस जिले में रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां एक महिला दरोगा की गाड़ी और सवारियों से भरी टेम्पो की भिड़त हो गई। वहीं हादसे में टेम्पो सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घायलों ने महिला दरोगा पर टेम्पो को सामने से टक्कर मारने का आरोप लगाया है। बता दें कि महिला दरोगा चंदम्पा कोतवाली में तैनात है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। और बागपत में सोमवार को यमुना नदी में एक हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने यमुना में लापता हुए 2 शवों में से एक शव को 48 घंटे बाद बरामद कर लिया है, जबकि एनडीआरएफ और पुलिस की टीम दूसरे शव को बरामद करने में जुटी हुई है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने दावा किया है कि जल्द ही दूसरे शव को भी बरामद कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते सोमवार एक ही परिवार के 4 लोग पैसा बुग्गी में सवार होकर यमुना नदी पार करके अपने खेत पर जा रहे थे और पानी के तेज बहाव में पैसा बुग्गी समेत 4 लोग यमुना नदी में डूब गए। वहीं किसानों ने 2 लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल दिया और 2 की तलाश जारी थी। और जालौन में 4थे चरण में मतदान में आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं ग्रामीणों ने रोड शो तो नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए मतदान का बहिष्कार किया है। बता दें कि जालौन के डकोर विकास खंड के गांव एर बदरी हरका समेत आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मतदान शुरू होने से लेकर अंत तक कोई भी ग्रामीण मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों बीत जाने के बाद इन गांवों तक पहुंचने वाली सड़कें बदहाल है। अभी तक कई जनप्रतिनिधि चुन गए हैं, लेकिन उनके गांव की सड़कें अभी तक नहीं बनी। और सुल्तानपुर लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नगर के रामलीला मैदान में आयोजित वृहद व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि वो व्यापारी हितों के लिए संकल्पित हैं और व्यापारियों को सुरक्षित रखने और नगर में धोबी घाट और आवारा पशुओं के लिए डेयरी फार्म स्थापित किया जाएगा। साथ ही मेनका ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 में सुल्तानपुर में सिर्फ 51% वोटिंग हुई थी, इस बार 75% वोटिंग होनी चाहिए। वहीं मेनका गांधी के बाद सम्मेलन को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने भी संबोधित किया। और बुलंदशहर जिले में बदमाशों के हौसले खासा बुलंद है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के NH-91 कैलाश अस्पताल के पास अपाचे सवार हथियार बंद बदमाशों ने आटो सवार बीरपुर गांव के पूर्व प्रधान और बैनामा लेखक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे बैनामा लेखक के सिर में गोली लग गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार महिला और ऑटो चालक बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि बैनामा लेखक पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और बहराइच शहर में वर्दी में आजकल लुटेरे घूम रहे हैं, कानून के रक्षक भी आजकल भक्षक बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सरेआम चकिन के नाम पर पुलिस ने पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, चौकी के अंदर बंद कर दिया और वहां भी दोनों की पिटाई की। वहीं पीड़ितों ने पुलिस की दबंगई के खिलाफ रोड शो पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिपाहियों के बचाव में कोतवाल ने पीड़ितों को धमकाया और गोलियां भी दी और गालियां भी सुनाई, जिसके बाद पीड़ितों ने SP से न्याय की गुहार लगाई और कप्तान से बात करने के बाद पीड़ित शांत हुए। बदायूं जिले के थाना कादर चौक क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध खनन को रोकने के लिए SDM ने सिविल लाइंस इंस्पेक्टर कादर चौक, SO खनन इंस्पेक्टर और ARTO की गठित टीम ने देर रात तकरीबन 11 बजे चेकिंग अभियान चलाया और शेखुपुर नौशेरा के पास से 2 ट्रैक्टर ट्रॉल रेत भरी हुई और बालू से भरी 8 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, लेकिन किसी के पास कोई कागजात बरामद नहीं हुए, जिसके चलते अवैध खनन के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। खबर अलीगढ़ से जिले से है, जहां SSP ने चौकी 4 समेत 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि पुलिसकर्मियों ने कारोबारी को ले जाकर चौकी में जमकर
पीटा था और पीटने के बाद घायल को चौराहे पर फेंक कर चले गए थे। वहीं पीड़ित ने एसएसपी को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया और क्वारसी थाना क्षेत्र के पटवारी नगर नगला चौकी का मामला बताया गया। और अलीगढ़ में खैर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल ने अदा करने का पत्र उच्च अधिकारियों को लिखा है। सिपाही ने सीओ और इंस्पेक्टर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अदा करने का उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है और इस बात का जिम्मेदार सीओ और इंस्पेक्टर को ठहराया है। सिपाही ने आरोप लगाया है कि खैर क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव जानबूझ कर परेशान करते और ड्यूटी पर आने के बावजूद ही गैर हाजिरी लगा देते हैं। इतना ही नहीं, वह इससे पहले थाना गांधी बारी ग्लास और मंडराक में भी तैनात रहा। इस दौरान भी सर्किल ऑफिसर की हैसियत से लगातार पंकज श्रीवास्तव द्वारा परेशान करता रहा। और खबर हरदोई जिले से है, जहां कल हुए मतदान में एक फर्जी वोट डालने का मामला सामने आया है। जहां वह जवा मतदान करने पर गठबंधन प्रत्याशी पर वोट डालने का आरोप है। बता दें कि बुजुर्ग महिला जब अपनी बहू के साथ बूथ पर पहुंची तो देखा कि उसका वोट पहले से ही डल चुका था। वही मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना एसडीएम को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान युवकों का देशी तमंचे को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। शादी समारोह में एक तमंचे को पहले एक युवक ने काफी देर तक लहराया, उसके बाद दूसरे युवक ने डांस के दौरान उसी तमंचे को लहराया, फिर तीसरे युवक ने उस तमंचे को लेकर अपनी कमर में लगाया। बता दें कि इन युवकों के पास बच्चे भी डांस कर रहे थे और गोली चलने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल में डॉक्टर और नर्स सोते हुए मिले और मरीजों के दीवानदार डॉक्टरों को रुपए देकर अपना इलाज कराते हैं। वहीं जो लोग रुपए नहीं देते डॉक्टर उन मरीजों को देखते तक नहीं है। डॉक्टरों के इस रवैये से परेशान होकर रात में ड्यूटी के समय सोते डॉक्टरों और नर्सों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। साथ ही वीडियो में एक मरीज की इलाज न मिलने पर तड़प कर मौत होने का भी जिक्र किया गया था। वहीं मामले की सूचना पर सीएमएस को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। और कानपुर में कल्याणपुर के केशवपुरम स्थित नागेश्वर विला अपार्टमेंट में घर के अंदर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के सिर पर रॉड पर हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस और डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतका कोचिंग का संचालन करती है। बहराइच में कल होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। आपको बता दें कि यह जनसभा राजा सुहेल देव स्थित स्थल पर होनी है और साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। तीन जनपदों की इस संयुक्त जनसभा को लेकर बड़े पैमाने पर भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। इन जनसभा में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और महोबा में चौथे चरण के मतदान के बाद नागांव फतना गांव में आई पोलिंग पार्टी की बूथ नंबर 127 की ईवीएम गुम हो गई। ईवीएम गुम की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में फतना गांव पहुंचकर तलाशी ली गई और सुबह होते ही लाउड स्पीकर से ईवीएम गुम होने की सूचना के बाद ढूंढने वालों को 10,000 रुपए का ऐलान किया गया। फिलहाल ईवीएम मिल जाने के बाद जिला प्रशासन ने राहत सांस ली। राजधानी लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र के हैदरगंज इलाके में स्थित हरियाणा कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में कोल्ड स्टोरेज कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने काबू पाया और बताया यह जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में पाइप टूटने से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। और श्रावस्ती जिले के कौना थाना क्षेत्र में दरोगा ने युवक को जमकर पीटा। पीड़ित ने दरोगा पर आरोप लगाया कि दरोगा जबरन युवक को उठाकर थाने में ले आए और पट्टे से जमकर युवक की पिटाई की। साथ ही इस थाने में पीड़ित को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए की मांग की। मामले में पीड़ित ने जिले के आला अधिकारियों से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। और यूपी में मनचलों के हौसले खासा बुलंद नजर आ रहे। ताजा मामला ताज नगरी आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र का है, जहां बैंक में पैसे निकालने आई एक महिला के साथ मनचले ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला ने मनचले के इश्क का भूत उतारते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। महिला ने मनचले को चप्पलों से जमकर पीट दिया। खबर बहराइच जिले से है, जहां चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने से रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर इलाकाई लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली देहात इलाके का ये मामला बताया गया।
और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के आउटर पर ओएचई विद्युत लाइन का तार अचानक टूट गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने आनन फानन में दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही पार्सल ट्रेन को रुकवा दिया और गरीबत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि दिल्ली हावड़ा का सबसे व्यस्तम रूट है, जिस पर बुलेट ट्रेन, शताब्दी, राजधानी, कालका मेल, हावड़ा मेल, गरीब रथ जैसी तमाम ट्रेनों का आवागमन होता है और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सभी मुख्य सुपरफास्ट गाड़ियों के आवागमन का समय होता है।